जय भोलेनाथ। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और आज है दिवाली का दिन। जैसा कि आप लोग को पता है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं कल स्कूल से शाम में आई और शाम में चली गई मार्केट, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, पूजा पाठ मतलब जो करती हूँ तो उसके इतने सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं कि ध्यान से याद कर करके लेना पड़ता है। मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं मार्केट चली गई थी, साथ मैंने कपड़े कुछ लगाए हुए थे तो वो रखे हुए हैं, और तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है अपना डाइनिंग टेबल को ये मैट लगा रही हूँ। तो डाइनिंग टेबल पे ये वाला मैट मैं लेकर के आई थी, आई थिंक मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत सा लगा था। इसके ऊपर मैं कवर डाल दूँगी, देखती हूँ कवर के साथ अच्छा लगेगा या विदाउट कवर, तो मैं वैसा ही कर दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं अभी करने के लिए, उन सारे काम को कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद खाना वगैरह भी क्या क्या होना है आज देखते हैं, लाइटिंग है, पूजा पाठ, बहुत सारे काम होते हैं। एक्चुअली मेरा फेवरेट होता है दिवाली, काम होते हैं कुछ ज़्यादा बट मज़ा बहुत आता है मुझे, इसीलिए मैं अब मैं अपना साफ सफाई कर लेती हूँ। और ये जो है ना थोड़े पूजा पाठ वगैरह की चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई थी, और खाने के लिए दिवाली में मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है दिवाली में। यहाँ पे मैंने कुछ काबुली चना, गरम मसाले और ये कैंडल्स, ये सारी चीज़ें जो ना मतलब ज़रूरत वाली जो होती है, पनीर, ये सारी कुछ ग्रोसरी वगैरह जो मैंने दिवाली के लिए मंगवाया था स्पेशली। एक्चुअली मेरा वीडियो जो है ना काफ़ी लेट जा रहा है, क्योंकि मैं दिवाली के बाद घर चली गई थी, और मैं जहाँ पे गई घर छठ के लिए तो वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं लेट से ये सारे कुछ फ्रूट वगैरह है ये जो कि पूजा पाठ में लगने हैं, 5 तरह के फल जो होते हैं तो वो है यहाँ पे। और ये दिवाली की कुछ चीज़ें हैं ये पूजा करने के लिए, ये सारे सामान है, ये गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति का वस्त्र है, और ये कुछ स्टिकर्स वगैरह, इसमें बहुत सारी पूजा पाठ के सामान हैं बहुत तरह के। ये मैंने गेट पे लगाने के लिए लाया था तो ये टूट गया था। और पूजा वगैरह मैंने काफ़ी चीज़ें लगती है, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें लगती है, तो बस ये सारी चीज़ें वही है। ये एक थैली है जो कि पूजा में यूज होता है, मैं पूजा जो करती हूँ थोड़ा सा मतलब विस्तार पूर्वक करती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। और ये मैंने कुछ रेडीमेड रंगोली बनाने वाले ख़रीद लिया था, क्योंकि अच्छे कलर वगैरह मिल नहीं पाते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने गर्म मसाले जो है, मेरे खड़े गर्म मसाले जितने भी आए थे सबको मैंने इस तरीके से पीस के रख लिया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊंगी, सेकेंड लाइट, ये मैंने मूंग दाल को इस तरीके से रखा हुआ है भिगो के, मैं मूंग दाल की कचौड़ी बनाने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल दे दिया, अब मैं देखती हूँ इसका जीरा राइस बनाऊंगी या फिर मिक्स वेज पुलाव या फिर आई डोंट नो, देखती हूँ क्या बनाना है। इधर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सारे वेजेस कट करके, मिक्स वेज बनाने वाली थी मैं, ये बीन्स, आलू, गोभी, गाजर और इसके नीचे शिमला मिर्च, अदरक, जो भी चीज़ें लगेंगी, ये पालक, मैं पालक पनीर भी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरे छोले चढ़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या 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 है वो मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं और भी कुछ बनाने वाली थी बट आज हस्बैंड का फास्टिंग है, एक्चुअली आज थर्सडे है, यस मेरा भी फास्टिंग है, मैं दिन भर फास्टिंग में रहती हूँ, रात को पूजा करती हूँ शाम में, तो उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ, बट हस्बैंड नहीं खाएंगे, वो तो मीठा ही खाएंगे ओनली। तो मैं फटाफट से, और इसके साथ मटर भी है और पनीर भी, तो पालक पनीर और मिक्स वेज। आज मैं रेसिपी कोशिश करूँगी कि शेयर कर लूँ, बट अगर नहीं सके तो अदर मैं किसी और दिन पर्टिकुलर सारी रेसिपीज जो है अलग अलग शेयर करूँगी, सिंपल वेज में कि मैं कैसे बनाती हूँ। आज पूरी तरह से ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब दिखाती हूँ आगे, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी पूजा पाठ है और काफ़ी टाइम हो चुका है,
किंतु सुबह से भूखा हुआ था, अभी ये मैगी खा रहा है बैठ करके। बच्चा को मैंने कुछ भी बना के नहीं दिया था, मॉर्निंग के टाइम में मैंने खाना बनाया ही नहीं था। तो चलिए अब मैं फटाफट से शुरू कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा पालक पनीर बन रहा है, आपको दिख रहा है। ये मैंने मसाले बना रही हूँ, यहाँ पे छोले के लिए, यहाँ छोले में उबल चुके हैं। यहाँ पे मेरे भी मिक्स वेज है, मैंने जो भी अलग करके रखा हुआ है, और यहाँ पे पनीर भी मैंने अलग करके रखा हुआ था यहाँ पे। और ये मेरे फ्रोजन वाले मटर, और यहाँ मूंग दाल का जो मैं बना रही हूँ, ये कचौड़ियाँ, मतलब तो मूंग दाल को मैंने इस तरीके से दरदरा पेस्ट करके रखा है। इसे अपने मूंग में इधर मेरे मसाले रेडी हैं, तो मैं आपको यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई थी, जबकि खाने के लिए बहुत ही कम लोग थे, किट्टू और एक मनी मतलब मेरा भाई था। लेकिन बस शौक लगता है मुझे बनाने का, तो बस बनाती जाती हूँ। और यहाँ पे मैं मंदिर जाने के लिए, एक्चुअली होली दिवाली सब चीज़ों में ना हम लोग मंदिर जाते हैं शाम के टाइम में, तो बस मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हुई थी। तो किट्टू बोल रहा था तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। और यहाँ पे पूरा मुझे दिवाली बहुत पसंद है, इतनी सारी लाइटिंग्स जो होती है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी काम हो जाता है दिवाली में, लेकिन इंजॉय बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ दिवाली को ही, मुझे होली वगैरह उतना पसंद नहीं है जितना दिवाली होता है। तो यहाँ पे मैं मंदिर जा रही थी, मंदिर में जो होता है ना काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे देखिए, और सभी कोई जो है ना दिया जलाते हैं शाम के टाइम में यहाँ पे इस तरीके से, जिसकी जो मन्नत होती है 11, 21 या 100 वगैरह जितना भी होता है सब लोग जलाते हैं इस तरीके से। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है, छोटे छोटे दिए जो है ना पूरे मंदिर में इस तरीके से जले हुए होते हैं, लोगों के आने जाने की भी जगह नहीं होती है। और यहाँ से जाने के बाद हम लोग घर में दिया जलाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा जो मैं करने वाली हूँ उसके लिए मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हुई है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है ना ये मेरा गणेश और लक्ष्मी जी का मूर्ति है। पूजा का जो है ना मेरा विधि बहुत ही विस्तार पूर्वक है, मैं उतना ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कुछ कुछ दिखाने की। ये जो है ना कुछ मखाने, ये धान के जो लावा कहते हैं हम लोग उसको, ये सारी चीज़ें कहते हैं दिवाली में लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है। तो ये मिश्री सफ़ेद चीज़ें जो होती है, ये पानी वाला फल, तो ये सब मस्ट होता है दिवाली में लक्ष्मी जी को चढ़ाया मतलब चढ़ाना चाहिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये थैली मैंने एक दिखाया था आपको उसके लिए होता है, ये उसमें डाला जाता है। ये वस्त्र माला वगैरह मूर्ति के लिए है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो आप थाली में देख रहे हो ये सब एक थैली में डाला जाता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं कभी, ये जो थैला देख रहे हैं ना इसमें ये सारी चीज़ें डाल करके कुछ पूजा वगैरह होता है विधि विधान उसके साथ किया जाता है, तो जो लोग करते होंगे उन्हें पता होगा। ये धनिया भी लगता है, एक पीला सरसों लगता है, और एक 11 दीपक जो होता है तेल या घी के आप उसे जलाइए। कुछ वस्त्र वगैरह है, कुछ फूल वगैरह, यहाँ पे कमल के फूल, ये कमल गट्टे जो होते हैं ना ये स्पेशली लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। और 2 दिए मैंने बड़े वाले जलाए हैं, एक गणेश जी के लिए कहते हैं घी का दिया जलाना चाहिए, और एक चमेली के तेल का जो कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। तो पूजा वगैरह जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया था। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी,
बहुत ही छोटा छोटा मूर्ति है ना, तो और काफ़ी दूर से मैंने कैमरा रखा हुआ था तो उतना डिटेल में नहीं आ रहा था, क्योंकि मंदिर में काफ़ी कम स्पेस है तो मैं उतना विस्तार उस जगह से नहीं, क्लोजली शॉट नहीं दे पाई थी मैं। गणपति जी को जो है ना ये पान सुपारी लौंग इलायची जनो वगैरह चढ़ाए जाते हैं, और एक नारियल जो होता है इसका एक मान्यता है कि इसे इस तरीके से आप पूजा करके एकाक्षी नारियल के तौर पे से अपने अलमारी वगैरह में रखें, जहाँ लॉकर वगैरह में, तो इस तरीके से उसे पूजा करके लॉकर में रखा जाता है। एकाक्षी नारियल जो होता है ना वो तो जिसमें एक ही आँख होता है उसे कहा जाता है, वो बहुत रेयर होता है, वो जल्दी मिलते नहीं, तो एकाक्षी नारियल के तौर पे बस एक नारियल के इस तरीके से पूजा किया जाता है। यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो जाने के बाद जो है देखिए एक बड़ा दीपक एक गणेश जी के लिए और एक लक्ष्मी जी के लिए, दो बड़े दीपक रात भर के लिए जलाया जाता है। और ये रंगोली मैंने बनाया हुआ था बाहर में मेन डोर में, इतनी तेज हवा चल रही थी ना, एक भी दिए नहीं जल पा रहे थे ठीक से, तो बार बार बुझ जाती थी। और ये इस जगह पे पेड़ पे मैंने ग्रीन ग्रीन लगाया था पौधों में, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये पूरा डेकोरेशन था मेरे घर का, मैं काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाई, मैं इंगेज रह जाती हूँ खाना प्लस ये पूजा पाठ वगैरह में, तो जितना सिंपल सा हो सका था मैंने बनाया हुआ था। और ये हम तैयार हो गए यहाँ पे इस टाइप का बना हुआ है, मैं पूरा लुक आपको दिखाती हूँ अभी। और सारी चीज़ें करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद मैं रेडी हुई थी, क्योंकि नीचे सब जगह जाना पड़ता है थोड़ा सा पटाखे जलाने के लिए, सबसे मिलने के लिए, तो सारी चीज़ें करने के बाद ही मैं तैयार हुई थी। और यहाँ पे हस्बैंड क्रिकेट देख रहे थे, और लाइटिंग तो इतना खूबसूरत लगता है कि मैं बाहर किस तरीके से वीडियो शूट कर रहे थे, जो बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये मैंने चारों तरफ जो सारे बालकनीज में ना मैंने इस तरीके से पौधों में लटका दिया था, ये देखिए इस तरीके से बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। और किट्टू जो है ना अकेले नीचे पे अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने कहा मेरा वेट करो मैं भी आ रही हूँ, बट वो चला गया था नीचे पटाखे छोड़ने। ये मेरा मंदिर का डेकोरेशन था, ये वाली रंगोली मैंने अपने हाथों से बनाया था सिंपल से। और ये था मेरा खाना जो मैंने बनाया हुआ था, मीठा वाला पुलाव, चने के छोले, पालक पनीर मिक्स वेज, और कुछ मिठाइयाँ, और मूंग दाल की कचौड़ी। अभी भी मैं देख रही तो मुंह में पानी सा आ रहा है। इसके बाद ये किट्टू और हैप्पी था, तो दोनों स्काई लैम्प
कुछ उड़ा था, बार बार ये नीचे जाके गिर रहा था। तो फिर एंड में ये उड़ ही गया और काफी दूर गया था। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने इसका दोबारा से वीडियो बनाया हुआ था। और ये जो है ना भाई दूज का भी मैंने साथ ही साथ छोटा सा वीडियो शूट किया था, तो इसलिए मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। दी लोग आई हुई थी तो हम लोग भाई दूज करते हैं घर में, तो और तो कोई नहीं आ सकी थी, बस दी छोटी दी मेरी आई हुई थी, तो हम दोनों ने ही मिलके भाई दूज किया था। तो मेरे जो है आने वाले वीडियोस मेरे गांव के होंगे, छठ के, जो मैं गांव गई थी छठ में, तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी क्योंकि मेरा लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, हमें बताइएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम अपना गाँव दिखाऊँगी जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ हम लोग मेरा बचपन बीता है, हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं अपने गाँव में। तो मेरा वीडियो आगे ज़रूर देखिएगा, और ये वाला अगर अच्छा लगा तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा था।